हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या कर रही हूँ मैं भला? आपको याद है मैंने आपको कहा था मैं तेल बना रही हूँ घर में, जो कि मैंने इधर उधर से सीखा है। लेकिन आपको सच बताऊँ कि मुझे हमेशा से बचपन से बहुत शौक था घर में तेल बनाने का। तो अम्मी के घर में जब मैं थी तो सरसों के तेल में आंवला, रीठे, सीकाकाई ये सब डाल के पका देती थी बहुत देर तक। उसकी बुरी शक्ल, बुरी बू हो जाती थी। और उसमें एक चीज़ और डलती थी, बरगे आंवला। वो पता नहीं मैंने बहुत दिनों से देखी नहीं कहीं, या हो सकता है हो मैंने नहीं ली, लेकिन उस वक्त मैं पता नहीं कहाँ से ले आती थी। बरकी मेहंदी, हाँ बल्कि आमदनी बरकी मेहंदी, मतलब मेहंदी के पत्ते ही होंगे शायद। मेरा काम था वो पका 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 के उसको फिर ठंडा करके रखती थी, और सब कहते थे हाय घर में मच्छर की बू आ रही है, लेकिन मैं लगाती थी बहुत, और मुझे बहुत आदत थी। तो मेरे अब्बा मरहूम अल्लाह जी नसीब करे मजाक से कहते थे हाय हमारी किस्मत में तो यही रह गया तेल की बू। तो जब कहीं आप जनाब बाहर जाएंगे, मुझे कहते थे ए जनाब तो कभी बाहर जाएंगे ना, तो फिर उन्होंने तैयारियां देखना, साढ़े वास्ते तो तेल ही रह गया। तो मुझे शौक था शुरू से कि जरा बालों की खिदमत खातिर की जाए। अभी भी करती हूँ, लेकिन कई दफ़ा शूटिंग में टाइम नहीं मिलता, लेकिन जब भी मिलता जल्दी से कहती हूँ चलो चलो चल, तेल लगा लूँ। और फिर तेल से एक्चुअली मसाज होता है। अभी नई चीज़ें भी हम सुन रहे हैं और सीख रहे हैं कि पुराने लोग कहते थे तेल से बाल लंबे होते हैं और तेल लगाने से दायरे जड़े मजबूत होती हैं। अब नए नए जो साइंटिफिक हम चीज़ें सुन रहे हैं उसमें ये कि तेल आपके पोर्स को बंद कर देता है, सारी रात नहीं लगाना है। अगर ये तेल आपने लगाने भी हैं तो 1-2 घंटे के लिए लगाएं और अच्छी तरह मसाज करें। तो आपकी स्किन को मसाज से जो ब्लड सर्कुलेशन होती है उसमें ये तेल आपको हेल्प करता है। और बहरहाल ये ओरिजिनल चीज़ें हैं, उनका कोई नुकसान तो नहीं है, कोई फ़ायदा होता ही होगा। और जो पुराने ज़माने की औरतें सिर्फ तेल लगा के कंघी करके चमेली का तेल लगा के किसी बड़े से बड़े फंक्शन में चली जाती थी, तो उसमें ये था कि एक्चुअली उनके बालों को ना हीट लगती थी ना वो कोई केमिकल यूज़ करती थी, उनके बाल वैसे ही अच्छे होते थे। सो हम सिर्फ समझते थे कि सिर्फ तेल लगाने से बाल अच्छे होते थे। सिर्फ तेल लगाने से नहीं होते, आपकी इंटरनल हेल्थ, आपके हॉर्मोन्स, आपका जो ईटिंग हैबिट्स है, आपकी फूड में क्या क्या है, वो सब चीज़ें मिल मिला के आपके बालों की सेहत के लिए अच्छे होते हैं। ये बातें भी हमने और आपने अब सुन सुना के सीख ली हैं। लेकिन तेल लगाने की मुझे आदत है। मेरा ये काम होता था हमेशा छुट्टी के दिन अपने बच्चों को लेके बैठ जाती थी लाइन से, तेल लगा दी थी उनकी, मालिश करती थी और उनकी चोटियाँ कसती थी। मुझे बड़ा शौक था, मतलब मुझे मुझे लगता था उससे बेहतर। जब से तो वो अपने पैरों पे खड़ी हुई, जब से तो उन्होंने कॉलेज यूनिवर्सिटी में जाना छोड़ा तो बस शुरू किया, फिर तो तेल के नज़दीक ही नहीं आई। और अब तो मेरे ख्याल है हार्डली लगाती है। नरिमान कभी कभी कहती है मैंने तेल लगाया, और पता नहीं पम पम के तो बाल माशाल्लाह इतने मोटे हैं कि एक चुटिया में नहीं आ सकते, उनकी ददियाल में बाल बहुत अच्छे हैं। बहरहाल मुख्तसर ये कि मैं क्या क्या बना रही हूँ। आपने मुझसे बहुत दफ़ा कहा कमेंट्स में कि आप जो तेल की बातें करी थी तो हमें बताएं आपने कैसे बनाया। लो जी, ये रही वो शीशे की पतीली जो मुझे बड़ी पसंद है, और इसके अंदर मैं अब क्या क्या डालूंगी। अभी मैंने ये हमारा हॉट प्लेट ऑन नहीं किया है, लेकिन मैं आपको ये बता दूँ इसमें क्या क्या चीज़ें। ये नारियल का तेल है, और ये हमारे जादूगर बशीर ये लेकर आए हैं कोल्हू से निकलवा के सदर से। ये सरसों का खालिस तेल है, और ये बादाम का तेल है। ये मैं थोड़ा सा अपने फेस के जो मैं एक मॉइस्चराइज़र सा बनाती हूँ जो मैंने पहले भी बताया था उसमें भी डाल लेती हूँ, तो ये बड़ा अच्छा रहता है। नारियल का तेल, सरसों का तेल, बादाम का तेल है। अच्छा, अब जो अच्छी चीज़ें मैंने नई सीखी है वो है कड़ी पत्ता। कड़ी पत्ता आप डालते तो बिल्कुल भी किसकी बू नहीं रहती, इसकी बू, जिसके बारे में बहुत कुछ हमें पता चल रहा कि प्याज इज़ वेरी गुड फॉर योर हेयर। लेकिन प्याज की बू से फिर आप मतलब बहुत से अच्छे अच्छे लोगों से मिलने से दूर हो जाते। लेकिन मैंने जब बनाया था इसमें मैंने कड़ी पत्ता इतना डाल दिया था कि प्याज की बू बेचारी भाग ही गई थी। साथ में ये थोड़ी कलौंजी डालूंगी मैं, और ये लौंग भी मैंने इसमें डाल के पकाने हैं। आपने कलौंजी दिखाई, कलौंजी दिखाई, अच्छा। फिर मैं थोड़ा सा फ्लैक्स सीड भी डालूंगी। इसके साथ मैंने ये रोजमेरी के पत्ते रखे हुए हैं, और ये है एलोवेरा। तो ये सब डाल के मैं पकाऊंगी, और आप बस ज़्यादा तेज़ नहीं इसको पका पका के पागल नहीं कर देना। 15 मिनट लो फ्लेम पे इसको इतना पकाएं कि ये ज़रा एक दूसरे में रच जाए, और फिर मैं दिखाती हूँ कि क्या करना है। लेकिन इसको ठंडा करके मैंने डालना है इस शीशे की बॉटल में, क्योंकि इसमें नारियल का जो तेल है वैसे तो अब गर्मियाँ आ चुकी हैं, वो जम जाता है। तो अगर और ऊपर से ये चीज़ें प्याज और एलोवेरा दोनों में मॉइस्चर होता है, अगर आपने इसको वैसे छोड़ दिया तो ये एक बिसांद आ जाएगी, इसको क्या कहते तरक जाएगा पंजाबी में कहते बूस जाएगा। तो वो मैं फिर इसलिए फ्रिज में रखती हूँ उसको शीशे की बॉटल में, जब यूज़ करना थोड़ा सा इसको गर्म की अगर ज़रूरत है, नहीं भी है तो गर्मियों में नहीं ज़रूरत, मुझे सर्दियों में थी तो मैं इसको थोड़ा सा माइक्रोवेव कर लेती थी। अच्छा जी भाई, हो जाओ शुरू गुरु, हो जाओ शुरू। हमने शुरू कर दिया, और हम बिस्मिल्लाह करेंगे, और मैं पहले डालूंगी नारियल का तेल। अच्छा, नारियल का तेल भी मैं थोड़ा सा बचाती हूँ,
अपने फेस के लिए मुझे बहुत अच्छा लगता है, जो मैंने आपको बताया था ना, मैंने बायो ऑयल और नारियल का तेल और ई ऑयल, मैंने इसमें, हाँ ई ऑयल इस वक्त मेरे पास नहीं है, सॉरी भूल गई, वो मैं एंड में डालूँगी, इसको पकाना नहीं है। ई ऑयल से ज़रा आपकी स्किन की हेल्थ के लिए अच्छा होता है। और इसमें हमने ये डाला, ज़ाहिर एक दिन बनाऊँगी तो चलाऊँगी ना इसको, 2 महीने पिछला वाला भी चल गया। अब ये सरसों का तेल है, सरसों का तेल भी बड़ा अच्छा लगता है। हम तो सब्जियां भी इसमें पकाते हैं, बहुत सारी, सारी नहीं बहुत सारी, आलू की भुजिया भी नहीं अच्छी लगती मुझे कोई खास, तुरई बनाते हैं, आलू पालक बनाते हैं, फिर करेले बड़े अच्छे बनते हैं। अच्छा अब ये जा रहा है इसके अंदर बादाम का तेल, अल्लाह की कैसी कैसी नेमतें हैं कि किस किस चीज़ का तेल भी निकल आते हैं। थोड़ा सा बचा लिए अपने फेस के लिए, इसको पता ना चले। अच्छा अब हमने ये भी डाला मेथी दाना, मेथी दाना तो आजकल ऐसे है कि अब तो गोरों को सब पता चल गया कि हमारी जो देसी चीज़ें हैं वो क्या क्या गज़ब खा रही हैं। मेथी दाना हमने डाला, और मेथी दाना बहुत गज़ब की चीज़ है वाकई। इसके अलावा हमने डाली छोटी सी एक कलौंजी की भर के चमची, थोड़ी सरासी ऐसी है। मेरे मन्ने मन्ने बर्तन प्यारे हैं, मुझे बड़ा अच्छा लगता है छोटी छोटी चीज़ों में बर्तनों में चीज़ें रखना। अच्छा अब हमें इसमें लौंग डालने, लौंग तो बहुत ही सुना है बालों के हेल्थ के लिए बड़े बड़े फ़ायदे हैं। फ्लैक्स सीड जो एक जादू की चीज़ है ना, जिसका हमें कोई पता ही नहीं था, इसको अलसी कहते थे, अलसी की पिन्नियाँ भी लोग खाते थे, पता नहीं अलसी, हमें क्या पता क्या है। अब तो पता चल रहा है अलसी तो हॉर्मोन्स के लिए, हर चीज़ के लिए, थोड़ा सा डालूंगी इसमें, थोड़ा सा लेस हो जाता है, लेकिन मैं अलसी भी डालूंगी। ओके और मैं डाल रही हूँ ये रोज़मेरी के पत्ते, रोज़मेरी के पत्ते डाले अच्छी तरह, क्योंकि भाई हम तो बना रहे हैं इसको, कोई कम अज़ कम हमारा महीना दो तो चलेगा, रोज़ तो नहीं लगा सकते ना, क्या करें फिर। और मैं डालूंगी इसमें अब प्याज, ठीक है प्याज भी मैं थोड़ा इसमें से कम कर दूँगी, ज़रा ज़्यादा है, ऐसा ना हो कि भाई मतलब हो लेकिन बड़ा कुछ प्याज के साथ सुन रही होगी, भाई भाई प्याज तो कमाल ही कर रहा है, पता नहीं क्या ही कर रहा है। अब रह गया ये, ज़रा थोड़ा सा मैं 5 मिनट के बाद डालूँगी कड़ी पत्ता। और अभी मैं डालूँ इसमें एलोवेरा, एलोवेरा तो भाई ये भी एक जादू है। मुझे दफ़ा का पता नहीं किसी ने, कोई अबाउट 40 years ago किसी ने मुझे कहा कि इसकी जो है वो ऐसे स्किन उतारो और उसमें से ये जो लेस निकलता है उस हैंड्स पे लगाओ और किसी ज़ख्म पे लगाओ, मैंने कहा है ऐसे मैंने किया। फिर तो मैंने कितने साल एलोवेरा खाया है, आजकल ज़रा मैं छोड़े बैठी हूँ, लेकिन मैंने एलोवेरा बाकायदा खाया है चम्मच के साथ। और वो पता नहीं क्या ही चीज़ हुई होगी, बड़ी पता नहीं हसीन हो गई होंगी, लेकिन मैंने सुना था एलोवेरा इज़ गुड फॉर योर हेल्थ। आपको पता है चाइना में एलोवेरा के ड्रिंक्स भी मिलते हैं, एलोवेरा के खाने भी बनते हैं। अब थोड़ा सा वो हमारे लिए इसको खाना मुश्किल होता है, क्योंकि ये सिर्फ लेस वाला होता है ना, तो इसलिए तो मैं उसको एक चमची में ना सुबह नाश्ते में पड़ोक करके निकल जाती थी, जैसे वो मैं हल्दी वाला अपना बनाती हूँ ना। मेरी कज़न कहती माशाल्लाह माशाल्लाह इतना अपने ख्याल रखती है, तो मैंने कहा हाँ सब मर जाएंगे मैं जिंदा रहूँगी, है ना। नहीं अच्छा है ना, जितनी अब आप ओरिजिनल चीज़ों पर जाएँ आपकी हेल्थ के लिए उतना ही अच्छा है। और बहरहाल ओरिजिनल चीज़ों की तो बात ही क्या, बाज़ार में कैसे कैसे तेल मिल रहे होते हैं, पता नहीं क्या क्या मिला हुआ होता है, मतलब आप हर किसी पे आजकल भरोसा तो नहीं कर सकते, कभी किसी ज़माने में मिलते होंगे। अब तो हम देखें अल्लाह ने कैसी सहूलत दी है कि हम कोल्हू में तेल मशीन से निकलवा रहे हैं अपने सामने, और कितनी बड़ी प्रिविलेज है कि ये गाँव वगैरह में तो होता ही होगा कोल्हू बने हुए, लेकिन अपने सदर में जो मशीनें शायद लगी हुई वहाँ गाय तो नहीं चल रही, ऐसे करके गाँव में तो गाय चल रही होती है वो ले के कोल्हू, लेकिन फिर भी शुक्र है। और अब ये सारे प्रिविलेजेस के साथ हम लोग काफ़ी एडवांस हो गए। अच्छा तो ये बताएं आपने मिसेज चौधरी नेक्शन देखा कैसा लगा, मज़ा आया भाई? थोड़ी सी देर की मुस्कुराहट के लिए मैंने जितनी मेहनत की है, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को मज़ा आएगा, और इंशाल्लाह इस रमज़ान में आप इसको बाकायदगी से देखेंगे और इसको इन्जॉय करेंगे। कुछ लोगों को बहुत प्यार होता है कुछ किरदारों से, जैसे हमें भी था एक ज़माने में, ये थे ना अतर शाह खान साहब, उनका कैरेक्टर था ना जेदी का, ये सबको इतना प्यारा लगता था, और अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, वो कितने साल उनको मतलब उसी तरह ही लोग याद करते रहे। आजकल की जनरेशन ने पता नहीं कितना देखा उनका काम, लेकिन उस जैसा कैरेक्टर मुझे नहीं याद कि मैंने कोई देखा हो। इसी तरह अलिफ नून होते थे, वो नन्ना साहब को कितना लोग प्यार करते थे, मुइन के कितने किरदारों से लोग प्यार करते थे, वो सचमुच में कितना मज़े का बनते थे। तो मुझे लगता है कि मैं भी आई एम वन ऑफ द लकी पीपल कि जिनके कुछ कैरेक्टर्स को आप भूलते नहीं हैं, बिजली है या ये मिसेस चौधरी हैं, और मेरे ख्याल और भी कुछ 4 चीज़ें हैं, लेकिन इस वक्त जितनी टेंशन है ना ज़िंदगी में, तो मैंने कहा ये रोने वाले ड्रामे तो मैं करती हूँ।
सास बहू कर ही रही हूँ, बस क्या करूँ, जो भी दुनिया में हो रहा है करना तो पड़ता है फिर, वरना बिल्कुल ही छोड़ के बैठ जाऊँ क्या, मतलब काम छोड़ नहीं सकती, मगर हो ही रात तो मुझे लगा चलिए छोटा सा चुटकुला मैं ही छोड़ देती हूँ। अच्छा जी, अब ये जरा इसको उबाला सा आ गया है और अब मैं इसमें डालू कड़ी पत्ता। हाय, जो कड़ी पत्ते की खुशबू है, वाह वाह वाह, गजब का है। जब मैं शूटिंग करी उनके घर दरख्त लगा रहे, मैंने परसों का जो कड़ी पत्ता चाहिए उन्होंने इतना सारा मुझे दे दिया, मैं तो खुश हो गई। वो कह रही जितना भी ले जाए आप, रोज ले जाए, तो अब तो जितने दिन वहाँ काम करूँगी तो ले ही सकती हूँ, रोज तो क्या, लेकिन इसकी वजह से सारी जो प्याज की बू है ना वो चली जाएगी। और ये अभी इसको मैं थोड़ी देर छोड़ूंगी। हाँ जी, अब देखे इसको मैंने उबाला आ गया है और तकरीबन 5 से 7 मिनट मैंने पकाया है। मैं नहीं चाहती कि बिल्कुल चीज़ें जो हैं उनकी अपनी ओरिजिनलिटी और उनकी खुशबू बिल्कुल मर जाए। थोड़ा सा इसका फ्लेवर तो आ गया है, लेकिन पका पका के पागल नहीं कर देना इसको बस, और सारे तेल जो उनकी एक्चुअल जो एक फ्लेवर है ना वो भी रहना चाहिए, बहुत ज़्यादा पकाने से वो ख़त्म हो जाती है। अच्छा जी, अब ये तो हमने कर लिया, अब हमने इसको करना ठंडा, और ठंडा करके फिर हमने इसको छान के बोतल में भरना है। तो भाई ये बात ये है कि अभी तो ज़रा बहुत गर्म गर्म है और मैं तो जा रही हूँ शूटिंग पे। अब ये ठंडा करके कौन डालेगा, आपके दोस्त बशीर है ना, माशाल्लाह बशीर तो इतने फेमस हो गए, क्या ही बताऊँ, रस्ते में रोक के कोई ऑटोग्राफ ना ले ले बेटा, सीख लो तुम भी। अच्छा तो वायरल ये बहुत मज़े की चीज़ बन गई है, मज़े से मुरादे की बहुत अच्छी चीज़ बन गई, खाने वाला नहीं है। और इसको देखें आप, ये अभी सब चीज़ें इतनी शक्ल इनकी नहीं बिगड़ी कि काले काले हो गए हो, जल गए हों, ये अभी हल्की आंच पे मैं इसको 5-7 मिनट और पकाऊंगी और उसके बाद आइए देखो ना ये इस तरह का इसकी ये शक्ल है। तो ये हल्की आंच पे जब तक ये चूल्हा जो है वो ठंडा होगा ये इसे पकता रहेगा। तो फिर आप भी बनाइएगा तेल और फिर जब लगाइएगा, हाँ ठंडा होने के बाद जो ज़रूरी तरीन चीज़ थी ई ऑयल, अलमारी में पड़ा था भूल गई अपना, सॉरी, आप ई ऑयल बाद में डालिए जब बिल्कुल ठंडा होगा। तो ई ऑयल जो है वो समझे इतना, लोग तो कैप्सूल्स डालते हैं, मेरे पास एक बॉटल में होता है, तो उसमें से समझे कि आपने 2 टेबलस्पून अगर इसमें डाल दिए तो वाह वाह बल्ले बल्ले हो जाएंगे। ठीक है, तो आप भी बनाइएगा और बताइएगा कि आपको कैसा लगा, और अगर आपके पास भी कोई मशवरा है इसमें और भी कुछ डालना था, क्या पता इसमें लहसुन अदरक भी डाल लो। मेरी मम्मी कहती थी तो इतना कुछ पाया है वैसे तो हांडी पुन भी लाए थोड़ी जिनकी, मतलब हांडी पका लेती थी मैं। तो अपना ख्याल रखना अच्छी बात है, और फिर जो कुछ आपको समझ में आता है या आपने एक्सपीरियंस किया होता है दूसरों के साथ शेयर करने का तो और मज़ा है। सो इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होती है, लेकिन आपने मिसेस चौधरी इन एक्शन देखते रहना है और मुझे फीडबैक देते रहना है, क्योंकि मैंने आपके लिए बड़े मज़े मज़े के और भी बनाए हुए हैं। ठीक है, रमज़ान मुबारक, आज दूसरा रोज़ है, बड़ा मज़े का था।